नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सांगवान एक बार फिर ले आया हूँ आपके लिए आपके मन का सवाल। आज हम बात करेंगे उस पर्सनैलिटी की जिसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्राउड है, फिर चाहे वो 2007 का वर्ल्ड कप हो या 2011 का वर्ल्ड कप हो या उनकी बैटिंग का जलवा हो या उनकी विकेट कीपिंग का जलवा हो। आप समझ तो गए होंगे ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ उस महान पर्सनैलिटी मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी की। तो चलिए जानते हैं मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, दुनिया की राय क्या है। चलिए, आपको क्या लगता है, धोनी को 2019 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अभी भी वो फिट हैं या अनफिट हैं, आपका क्या कहना है? जी, अभी तो उनके हिसाब से उनको 2019 के वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो क्रिकेटर आ रहे हो तो उनसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, ऋषभ पंत है, शुभमन गिल है, फिर वो क्या पृथ्वी शो है, तो उन लोगों को भी अब चांस लेना चाहिए, क्योंकि धोनी लास्ट होगा ना, कई बार सब न्यूज़ चैनल में भी आ रहा है और 2019 का वर्ल्ड कप जीत कर वो बाद में नहीं खेल रहा। तो क्या वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं उसके बाद? ले ही सकते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप बाद धोनी को तो रिटायरमेंट तो होगा ही, उसके बाद वो उसको कोचिंग थोड़ा देना चाहिए, इंडिया लेवल पे सिलेक्शन टीम में आना चाहिए। मतलब वो इंडिया टीम से जुड़े रहें, ये आपकी चाहत है? हाँ, वो इंडिया टीम से जुड़े हुए हमारी चाहत भी और बहुत दिलो इच्छा भी है। मैम, आपको क्या लगता है धोनी को 2019 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए? वो तो उसकी कप्तानी पर डिपेंड है, राइट? अगर अब तक वो बेस्ट है और लोग मानते हैं तो ठीक है, उसे रखना चाहिए, उसे ही बेस्ट रखना चाहिए। अभी विराट कोहली को सब बेस्ट बना रहे हैं, तो विराट कोहली को ज़्यादा पसंद है करते हैं, तो मे भी ले लेना चाहिए आई थिंक। तो उम्र के अकॉर्डिंग आपको नहीं लगता उनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, दूसरे यंगस्टर्स को चांस मिलना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं। मेरे हिसाब से तो लास्ट कप ही होगा उसके लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू उसका एज जैसे बढ़ रहा है, फिर उसकी फिटनेस भी थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, और जो न्यू कमर्स है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, तो वो कुछ नया रंग लाएंगे। तो आप अलविदा कैसे देना चाहोगे धोनी को, अगर आपके अकॉर्डिंग लास्ट वर्ल्ड कप है तो? मेरे हिसाब से सैल्यूट करके और वो वर्ल्ड कप जीते, वही हमारी इच्छा है। और दो वर्ल्ड कप जीता के बाद में जाएगा, मतलब 2023-2027 वो खेलेगा? हाँ खेलेगा, 2019 और 2023 खेलेगा, आपका ये कहना है? और दोनों जिताएगा? दोनों जिताएगा। ओके, वेरी गुड। अब आप बताइए रिटायरमेंट क्यों लेना चाहिए, आप कह रहे हो? रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए, अगर फिटनेस ऐसी रहेगी तो अच्छा है, खेलेगा तो। आपको क्या लगता है धोनी की फिटनेस का राज क्या है, वो क्या करता है? सुबह दूध पीता है। पूछा मैंने इनसे, आप बड़े जल्दी हो। ये क्रिकेट में इंडियन लोग शर्माते हैं। नहीं, फिर भी आपको क्या लगता है फिटनेस के लिए धोनी को क्या करना चाहिए? योगा, गुड। एक्सरसाइज, गुड। दूध पीना चाहिए, बोन मीठा के साथ पीना चाहिए। सर आप चुपचाप, आप मेरे को कुछ बोलना ही नहीं है। धोनी क्रिकेट फैन नहीं हो? धोनी नहीं, मैं ऑलरेडी। तो थोड़ा आप भी हो जाइए। ग्रीन टी ज्यादा अच्छी रहेगी, ग्रीन टी। तो साक्षी भाभी से उम्मीद करूंगा कि प्लीज ग्रीन टी दें धोनी भाई को, है ना? के बारे में मैं जज करने वाली कोई नहीं होती हूँ, पर हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार जब वर्ल्ड कप जीते थे तो वही थे, ओनली ही वॉज ओनली द रीजन कि हम लोग ये जीते थे वर्ल्ड कप। उन्होंने डेडिकेट सचिन को किया था, जबकि वो भी उतनी ही एज के थे जो अभी धोनी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उसे रिटायरमेंट हम लोगों के कहने की वजह से ले लेनी चाहिए। अगर वो फिट है, वो खेल सकते हैं, तो ज़रूर उसको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। तो मैम ने बहुत अच्छी बात बोली, जैसे आपने सुना कि सचिन को जैसे डेडिकेट किया था महेंद्र सिंह धोनी ने, वैसे क्या पता विराट कोहली डेडिकेट कर दे महेंद्र सिंह धोनी को, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनका लास्ट वर्ल्ड कप तो है। आप ये तो मानते हो 2023 तक तो शायद ही खेल पाएँ या खेल सकते हैं, आपका क्या कहना? ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि वो और भी वर्ल्ड कप देखे, खेले और हम जीते। तो 2019 वर्ल्ड कप की टीम के लिए, इंडिया टीम को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? ऑल द वेरी बेस्ट, एंड हमें पक्का विश्वास है कि आप जैसे धोनी अपना कैप्टनसी करके लेकर आए थे, वैसे विराट सर भी लेकर आएंगे। I think he'll retire definitely after the World Cup, yes. Okay. Yeah, he's been brilliant for India, okay. And world cricket, but I think after 2019 he will give up the gloves, definitely. So what about the Dhoni, if he will retire, who will take the place of Dhoni? I think we all know that Rishabh Pant is doing very, very well, and clearly they're giving him more opportunities by including him in the new test team as well, as well as the T20 and one day squads against Australia. So they'll definitely be looking for him to take over in the future. 2019 World Cup ke baad Dhoni ko retirement lena chahiye nahi lena chahiye? Dhoni ko khelna chahiye na, definitely khelna chahiye. Kab tak? India ka, kab tak wo khelna chahiye?
बहुत अच्छी बात है, आप इतनी रिस्पेक्ट देते हो, तो फिर क्यों आपको नहीं लगता यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए वर्ल्ड कप के बाद? कहीं ना कहीं एक आदमी का टाइम होता है रिटायरमेंट का, पर सीनियर खिलाड़ी भी साथ में होना चाहिए, कॉम्बिनेशन बना रहना चाहिए। एक खिलाड़ी अगर यूनियन कैम के साथ खेलेंगे युवा के साथ, उसमें क्या मजा है? अगर कोई सीनियर उसको तजुर्बा देने के लिए नहीं होगा, जैसे मैं तो अभी न्यूजीलैंड में हुआ है तो विराट नहीं था, जैसे धोनी लास्ट ईयर पर आया ये चांस भाई था कि 215 रन परचेज नहीं कर सके, 5-7-4 रन से हम हार गए, तो उसमें अगर एक सीनियर खिलाड़ी और हो तो उसमें मजबूती मिलती प्लेयर को, कैसे वही 4-5 खिलाड़ी युवा खेले अच्छे खेले, उन्होंने डेफिनेटली 7 बॉल में 8 बॉल में जो भी रन बनाए अच्छे बनाए, पर उनकी जो कमी रही एक अगर सीनियर खिलाड़ी को भी साथ में इकट्ठा तो वो मैच हम जीत सकते थे, बेनिफिट ये रहता, सीनियर खिलाड़ी होने से मजबूती रहती है, यही है हम ओनली फॉर कॉम्बिनेशन के साथ सीनियर और युवा का दोनों तालमेल होना साथ में लगे। नहीं होता, अच्छा खेलता है उसको खेलना चाहिए, थोड़ा तो खेलना ही चाहिए, बाद में रिटायरमेंट का सोचे तो ले ले, अभी तो खेलना चाहिए, पब्लिक भी चाहती है कि वो खेले। ओके हाँ। और आप क्या मैसेज देना चाहोगे इंडियन क्रिकेट टीम को कि 2019 वर्ल्ड कप के लिए? मैं कि इंडिया जीते, इंडिया विंस। मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। ओके क्यों? क्योंकि वो मेरे ख्याल से इंडिया की टीम में बहुत अच्छा प्लेयर है वो। ओके और उसकी जो एडवाइस है हाँ। वो बहुत बढ़िया है। ओके इसके लिए तो अभी उनको और खेलना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? खेलना चाहिए। बेटा आप महेंद्र सिंह धोनी को फिट रहने के लिए क्या खाने को सजेस्ट करोगे? पता नहीं। आप फिट रहने के लिए क्या पीते हो? दूध पीते हो आप? हाँ। तो धोनी को भी बोलो कि दूध पिए और फिट रहे हमेशा ऐसे ही। हाँ। और वैसे भी सर अभी धोनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, अभी बहुत अच्छे खेल रहे थे पिछले मैच में, जिस कारण से भी देखा जाए तो धोनी को रखना चाहिए फिलहाल। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने जब इन चारों भाइयों को पकड़ा ना तो मैं इस भाई ने बोला कि मेरे से कुछ मत पूछना मैं नहीं बोलूँगा, और ये भाई इन तीनों को बोलने ही नहीं दे रहे हैं भाई। बहुत बका रहा है। अच्छा चलो लास्ट मैसेज जो आप इंडिया टीम को देना चाहोगे 2019 वर्ल्ड कप के लिए? ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चिक्कू बस कोहली को, कोहली को, कोहली को ऐसा है क्या? नहीं ओनली फॉर ऑल ऑफ 15, ऑल ऑफ 15। सर आपको कहीं ना कहीं ये नहीं लगता 2019 वर्ल्ड कप में मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नहीं है इंडिया का? नहीं है, सही बात है। तो उसके लिए MS धोनी के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आएगी, उनको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो धोनी का परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है। अच्छा देखिए वो इंडिया का फिनिशर है, हाँ। फिनिशर होने से वो क्या है कि इंडिया को लास्ट में एकदम अच्छी तरह ले जाता है पूरी टीम को, इसलिए मतलब उसको होना जरूरी है, होना चाहिए। तो आप 2019 के बाद ये कहीं ना कहीं लास्ट वर्ल्ड कप तो है धोनी का, ये तो आप मानते हो? ये लास्ट कप है, ये बात सही है, उसके बाद में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए उसको। ओके तो उनकी जगह कौन ले सकता है? मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ले सकता है। सर लास्ट मैसेज जो आप इंडियन क्रिकेट टीम को देना चाहोगे 2019 वर्ल्ड कप के लिए? जीत के आओ और क्या है, वर्ल्ड कप लेके आओ। बेटा आपको क्या लगता है धोनी को फिट रहने के लिए क्या करना चाहिए? दूध पीना चाहिए। आप पीते हो दूध? किसके साथ दूध पीते हो, खाली पीते हो ऐसे पीते हो? खाली पीते हो। खाली पीते हो? I think after a while, cricket obviously takes a lot out physically and mentally, and I think it's a good time for him to retire now. And I think he knows that because he's worked so hard to get where he is. So definitely, I think he will retire after this World Cup. Okay, so last question: what do you want to give message to Indian cricket team for World Cup 2019? Well, keep going, boys, and bring it home for us in 2019. Okay, yeah? Thank you so much. सो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके दिमाग में कोई धोनी को लेकर सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख डालिए, और भाई शेयर तो करते रहो, कुछ नहीं जाता शेयर करने में, और भाई जय भारत जय हिंद।